भविष्य में भी बात हमारे भक्त की रक्षा की हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं तुम्हारा ये कथन हमारे लिए तो नहीं था पुत्र गणेश? अगर मैंने आज के बाद तुझे शरद के आसपास भी मंडराते हुए देखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? हाँ। आने दीजिए मेरे भाई को भी, एक बार वो आ जाएगा ना, वो भी सबको बता देगा कि वो यहाँ से क्यों और किसकी वजह से गया था। हे विनायक, कि कैसा सपना है जो बार बार मुझे दिखाई देता है पर साफ नहीं। और ये दिव्यानी कच्छ कौन है? ये कच्छ और दिव्यानी, ये दोनों कौन है इन्हें मैं नहीं जानता, लेकिन सपनों में हमेशा इनका ही नाम क्यों सुनाई देता है? और सपने भी साफ साफ नहीं दिखते, ये क्या है महादेव? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहचान ही लिया आपने मुझे, तो लगा था कि
क्या हो रहा है मेरे साथ कन्नू दादा? क्या हो गया है मुझे? क्यों इस अजनबी को देखते ही मैं अपनी सुध खो बैठती हूँ? वहाँ मंदिर में भी उसके सामने बस खड़ी की खड़ी रह गई। कौन है ये अजनबी कन्नू दादा? क्यों इस अजनबी की तरफ खींची चली जा रही हूँ मैं? इसे देखकर मुझे ऐसे क्यों लगता है जैसे मेरा और इसका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि जन्मांतर तक का है? मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है कि इसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? जाकर भी इससे दूर क्यों नहीं हो पा रहे गन्नू दादा? गन्नू दादा, मुझे पता है कि इसका रिश्ता मेरी बहन स्वाति से तय हुआ है और मैं स्वाति के लिए बहुत खुश हूँ। ये सब जानते हुए भी ये सब तो गलत है ना गन्नू दादा? क्यों इस तरह ये अजनबी मुझे अपनी तरफ खींच रहा है? मैं अपनी बहन स्वाति की खुशियों के दुश्मन तो नहीं बन सकती ना? मुझे इस दुविधा से बचाओ गन्नू दादा, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो गन्नू दादा, मुझे इस भंवर से निकालो, मेरी मदद करो।
प्रसाद चाहिए? तुम्हें जगाने आई थी लेकिन तुम गहरी नींद में सो रहे थे, फिर वापस आ गए। दरअसल बेटा, स्वाति तुम्हें आरती और प्रसाद देने आई थी। हाँ, पता है इस पूरे घर में सबसे पहले वो ही जगती है। पूजा किए बगैर एक बूंद पानी भी अपने मुंह में नहीं लेती है। मैंने कितनी बार कहा ऐसे मत कर, तबीयत बिगड़ जाए, लेकिन सुनती ही नहीं है। हाँ, मैं फ्रेश होके आऊँ? हाँ। खुल रही है, चाय भी नहीं दी अभी तक तूने। हे देवा, क्या करूं इस पोरगी का? मैं यहाँ मरे जा रही हूँ तेरा रिश्ता पक्का करने के लिए, और एक तू है अपने हाथों से अपना सत्यानाश करने पे तुली है। पर आई, मैंने किया क्या है? मैंने किया क्या है? अरे तूने कुछ किया नहीं है, यही तो परेशानी है मुझे। क्यूरी, शरद 4 दिन के लिए आया है, हा? तू जल्दी से उठ नहीं सकती? हाँ, शादी के बाद जिंदगी भर सोती रहना कुंभकरण की तरह। वो जब तक यहाँ है तो ये थोड़ा सा नाटक भी नहीं कर सकती? सुन, वो जब तक यहाँ है तब तक उसे जो अच्छा लगता है तो उसके लिए कर। शादी के बाद तुझे जो अच्छा लगता है तू कर ले। हाँ? अरे येड़ी, समझी कि नहीं? हाँ हाँ, समझ गई। चल अब जल्दी से मुंह धोकर रसोई में आ जा, तब तक मैं देखती हूँ उस मनहूस भक्ति ने नाश्ता तैयार किया है या नहीं। चल। ये आई भी ना क्या क्या बोलती रहती है, मुझे तो एक अक्षर समझ में नहीं आया। क्या बात है, आज इतनी चुप चुप क्यों है? कहीं तेरे गन्नू दादा से तेरा झगड़ा तो नहीं हो गया? आज सुबह से किसी ने मुझे चाय का एक कप भी नहीं दिया। लगता है इस घर में किसी को मेरी कोई चिंता नहीं है। आधा कप भर के चाय। सुबह से देख रही हूँ मैं तुझे, तू 2 कप चाय पी चुकी है ना? फिर कहेगी इस घर में मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता। 1 कप श्रीकांत के लिए भी बना दे, और तू जाकर शरद को चाय दे आ। कब से जगा है बेचारा, अभी तक उसके पास चाय नाश्ता भी नहीं पहुंचा। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं जब तक नहीं कहूंगी तू शरद के सामने नहीं आएगी तो तेरे
हिम्मत कैसे हुई अपना मनहूस चेहरा दिखाने की? अजीब, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। अरे काम तो होता ही रहेगा, स्वाति अब तक सोई है ना, नहीं तो वो ही दे आती। अब तू ही तो है, चाचा के उसे जल्दी से चाय दे। कि नाजी, अरे चाय नाश्ता ठंडा हो रहा है और तू नाना करे जा रही है। अच्छा बेटा जल्दी से जाके दे आ, मैं भी श्रीकांत को चाय देकर आती हूँ, फिर दोनों मिलकर रसोई का काम पूरा कर लेंगे। हा? जा रही है महारानी की सवारी? जी वो अजी ने बोला नाश्ता देने के लिए शरद को। अच्छा आई बोली और तू चली, क्या बात है। तेरे भेजे में एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। कितनी बार कहा है कि शरद के पास तू नहीं जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन नहीं, लुभाना है ना तुझे उसे, तुझे अपने जाल में फंसाना है ना उसे, अपनी बहन की खुशियों में आग जो लगाना चाहती है। हा? मौका मिला नहीं कि चली महारानी थाली सजाकर। देखा स्वाति, भक्ति के लक्षण, जा रही थी महारानी शरद के पास अपना रूप दिखाने। पता नहीं इसे हमारी खुशियां क्यों अच्छी नहीं लगती, जब भी देखो रास्ता काटती रहती है काली बिल्ली की तरह। हे देवा, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने कि इस बोझ को ढोना पड़ रहा है मुझे। अब तू मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ ये ले जा, शरद को ये नाश्ता और चाय देकर आ। हाँ काय, हाँ? तुझे क्या लगता है मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? मुझे सब पता है तेरा क्या नाटक चल रहा है। क्यों री, वो पूजा घर के पास में क्या नैन मटक का चल रहा था? कान खोल कर सुन ले, आखिरी बार समझा रही हूँ। तेरी परछाई भी शरद के आसपास भी नजर आई ना, तेरी ये दोन डोले है ना, निकल कर हाथ में रखूंगी, समझे? और ये मेरी कोरी धमकी मत समझ, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। चल जल्दी से खाने की तैयारी कर। मनहूस कहके रातों के भूत बातों से नहीं मानते ना तू, वैसे मेरे इतने मना करने के बाद भी तू शरद के पास जाती रही। हाँ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सब सच नहीं है? जब मैंने आपको पहली बार देखा तो न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं आपको कई जन्मों से जानता हूँ।